हाल ही में ब्यूटी विद ब्रेन जैसी टॉप एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया का पॉडकास्ट हुआ। उन्होंने रिलेशनशिप ब्रेकअप, आइडियल मैन और अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर बातें बताई। उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में बात करते हुए कहा कि उनका एक भाई है जो काफी हैप्पी और नॉटियस है। उन्होंने बताया कि वो एक सिंधी ब्रॉड माइंडेड परिवार से है और 13 साल की उम्र में जब उन्होंने फिल्मों में काम करने की बात कही थी तो उनके फादर ने उनके घर बैठने के बजाय उन्हें सपोर्ट किया। बता दे, तमन्ना के फादर ज्वेलर है और बचपन से ही उन्हें एक लग्जरी लाइफ मिली है। उन्होंने साउथ और बॉलीवुड मूवीज को कंपेयर करते हुए बताया कि साउथ की मूवीज उन्हीं के बेसिक इमोशंस पे बनी हुई होती हैं, मतलब उनकी खुद के रूट से ही स्टोरी बनाई जाती है। शायद इसी वजह से बॉलीवुड में साउथ मूवीज का हिंदी रीमेक भी बनता है, लेकिन हिंदी मूवीज में कभी कभी खिचड़ी पका दी जाती है जिसकी वजह से मूवी उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती। उन्होंने रजनीकांत को हम्बल और प्योर हार्टेड पर्सन बताया और कहा कि साउथ की मूवीज में कंसिस्टेंसी होती है। साउथ में मूवीज एंटरटेनमेंट से ज्यादा वर्शिप की तरह होती है। फिर बात आई रिलेशनशिप की तो उन्होंने बोला कि एक आदमी को अपने पार्टनर की अच्छे से बात सुननी चाहिए। अ मैन शुड बी अ गुड लिसनर। उन्होंने ये भी बताया कि उनका 2 बार हार्ट ब्रेक हुआ था, एक बार तब जब वो काफी यंग थी और दूसरी बार इसलिए कि वो इंसान लॉयल नहीं था। उन्होंने बेस्ट रिलेशनशिप एडवाइस भी दी कि किसी की मत सुनो। दूसरा, उन्होंने बताया कि उन्हें पैसा खर्च करने से ज्यादा इन्वेस्ट करना पसंद है, वो भी गोल्ड ज्वेलरी में। उन्होंने बताया कि अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो इन्वेस्ट करती हैं। ये पॉडकास्ट देखने से एक बात तो तय है कि तमन्ना इंटेलिजेंट होने के साथ साथ बहुत क्लियर है अपने विजन को लेकर, तभी तो वो साउथ की टॉप एक्ट्रेस में गिनती होती है उनकी, और उन्होंने साउथ में कई हिट मूवीज में काम भी किया है। दी गई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल खबरी टुकड़ा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।